बुध राजाओं का राजा जी टीवी और डीडी नेशनल पर एक भारतीय शास्त्रीय नाटक था जो स्पाइस ग्लोबल के बैनर तले भूपेंद्र कुमार मोदी द्वारा निर्मित है। शो के क्रिएटिव प्रोड्यूसर शीतल सिंह है। ये शो पहली बार रविवार 8 सितंबर 2013 को जी टीवी और दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ। कार्यक्रम में कबीर बेदी असिता मुनि की एक छोटी सी भूमिका में है जो ऋषि है जो गौतम बुद्ध के आगमन की घोषणा करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक खास इन्फॉर्मेशन है। आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारे वेबसाइट नेट टीवी फॉर यू पे जाकर इसकी टेक्स्ट रिव्यू भी पढ़ सकते हैं। धारावाहिक की कहानी गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित है जिसमें दिखाया गया कि कैसे एक राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। माया देवी की भूमिका जो समीक्षा सिंह द्वारा निभाई जाने वाली थी उसे दीपिका उपाध्याय से बदल दिया गया। हिमांशु सोनी ने बुद्ध की मुख्य भूमिका निभाई जबकि 2010 मिस इंडिया टॉप 10 फाइनलिस्ट काजल जैन ने सिद्धार्थ गौतम की पत्नी यशोधरा की भूमिका निभाई। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में वर्षों की प्रतीक्षा और लालसा के बाद पूर्णिमा की रात को अपने माता पिता राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के यहाँ राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ। वो जन्म के समय भी एक अद्वितीय बच्चे थे। महानता के 32 लक्षण धारण करने वाले वो एक लौते बच्चे थे और कुछ लोगों द्वारा मानव जाति के रक्षक होने की भविष्यवाणी की गई। वहीं कई लोगों ने राजाओं के एक शक्तिशाली राजा होने का भी उन्हें लेकर भविष्यवाणी किया। सिद्धार्थ ने दोनों भविष्यवाणियों को सच साबित कर दिया। अपने बढ़ते वर्षों में वो एक आदर्श योद्धा राजकुमार थे, अपने पिता की आंखों का गौरव थे और बाद में अपनी प्यारी पत्नी यशोधरा के लिए वो एक समर्पित और संवेदनशील पति थे। यहाँ तक कि एक बच्चे के रूप में सिद्धार्थ अपने स्वभाव से सभी घटनाओं के बारे में हमेशा सवाल किया करते थे और विचार किया करते थे। उनके चारों ओर क्या चीजें थी उसके बारे में वो सोचा करते थे। सिद्धार्थ सभी चीजों के बारे में सोचते थे, सामाजिक से लेकर भौतिक और प्राकृतिक से लेकर मानव निर्मित तक, और वो स्वभाव से बेहद दयालु और अप्रतिस्पर्धी थे। सिद्धार्थ के प्रश्न एक युवा लड़के के आसपास की दुनिया के बारे में स्वाभाविक जिज्ञासा से पैदा नहीं हुए थे बल्कि दुनिया की स्थिति के बारे में गहरी तर्कसंगत लेकिन दार्शनिक चिंता से पैदा हुए थे जो उसने अपने आसपास देखी थी और उसकी तबाही उसकी युवावस्था में ही बढ़ गई थी जब दीवार उस पीड़ा को देखने से बचने के लिए जो उसके पिता ने उसके चारों ओर बनाई थी वो टूट गई। समाधि एक आत्मज्ञान था जिसने न केवल पृथ्वी पर उनका मार्ग प्रशस्त किया बल्कि समस्त मानव जाति को आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाया जो आने वाले हजारों वर्षों तक दुनिया को उनकी शिक्षाओं से रोशन करेगा। क्योंकि उसने बुद्ध को जन्म दिया, एक ऐसा शब्द जिसने आज का दिन सत्य, शांति, प्रेम, करुणा और धार्मिकता का प्रतीक बना दिया, जिसके लिए वो खड़े रहे किसी अन्य की तरह नहीं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आधुनिक दुनिया में बुद्ध की शिक्षाओं और मान्यताओं की प्रासंगिकता का पुनरुद्धार हो रहा है। श्रृंखला के अधिकांश प्रारंभिक एपिसोड राजा शुद्धोधन को कमजोर करने और सिद्धार्थ को मारने के लिए द्रोणधन, मंगला और देवदत्त यानी कि सिद्धार्थ के चाचा, चाची और चचेरे भाई की साजिश के आसपास केंद्रित है। उनकी साजिशें हमेशा विफल होती है और सिद्धार्थ की अच्छाई हमेशा जीतती है और बढ़ती है। श्रृंखला में दिखाए गए इस नाटक का अधिकांश भाग वास्तव में बुद्ध के ऐतिहासिक लेखन का हिस्सा नहीं है। हालांकि देवदत्त के सिद्धार्थ के साथ प्रतिद्वंदिता थी लेकिन ये उस हद तक नहीं थी जैसा कि श्रृंखला में दिखाया गया है जहां देवदत्त और उसके माता पिता कई लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उन्हें मारते हैं। श्रृंखला में यशोधरा की शादी के लिए सिद्धार्थ और देवदत्त के बीच अत्यधिक प्रतिद्वंदिता भी दिखाई गई है। यहाँ तक कि सर्वश्रेष्ठ योद्धा का निर्धारण करने के लिए लड़ाई की प्रतियोगिता भी होती है। हालांकि वास्तविक इतिहास में यशोधरा वास्तव में देवदत्त की बहन थी, फिर भी सिद्धार्थ का चरित्र कई मायनों में नाटकीय और मार्मिक है और सभी जीवन के प्रति उनका गहरा सम्मान दिखाता है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चिता, बत्तख, चींटी या फिर बिच्छू हो, जिसके प्रति वो हमेशा क्षमा और दया दिखाते हैं। इसकी शैली ऐतिहासिक नाटक है। गजरा कोटारी, प्रकाश कपाड़िया, पुनीत एस शुक्ला ने इस शो को लिखा है। निर्माता है भूपेंद्र कुमार मोदी। एपिसोड की संख्या 55 थी। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के रूप में हिमांशु सोनी, शुद्धोधन बुद्ध और नंदा के पिता के रूप में समीर धर्माधिकारी, माया के रूप में दीपिका उपाध्याय, असित मुनि के रूप में कबीर बेदी, राजा पसे नदी के रूप में दिनेश मेहता,
मेघन यादव राजकुमार नंदा के रूप में शामिल थे। तो फिलहाल दोस्तों आपको इस शो का प्लॉट लाइन कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल आज सिने को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।